आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कविता। हाँ जी नमस्ते जी। कहाँ से बात कर रही हैं जी मैं कुरुक्षेत्र से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिए। हाँ जी हकीम साहब से बात करनी है मुझे। जी जी कविता जी, आदाब, बताइए क्या जी हाँ सवाल है। जी नमस्ते जी। हाँ जी सर, ये मैं बहुत टाइम से मेरे को ये दिक्कत हो रही है कि मेरे बाजू और टांगों में बहुत पेन हो रहा है और मेरे को ऐसे फील होता है कि मेरे पूरी जैसे मेरे को रेशा है अंदर और मेरे काम से एकदम से पर्दा सा कई बार हटता है। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, और कुछ बताना चाहें तो सब बता दीजिए। हाँ जी और मेरे ये ऊपर ये आंख के पास भी बहुत जोर से कभी एसी में बैठो तो पेन होने लग जाता है और सर्दियों में तो रहता ही है, फिर मैं जब कोई गर्म कपड़ा ऊपर वो कर लेती हूँ तब थोड़ा रिलीफ फील होता है मुझे। अच्छा कविता, आप अपनी एज बताइए। हाँ जी मेरी 35 है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? नहीं जी। ठीक है। अच्छा कविता देखिए, अगर शादी कर लें तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा सब कुछ, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ आपको। और शादी नहीं, अगर आपको देर है तो फिर आप एक नुस्खा बना लें, और वो है आंवला। आंवला सूखा हुआ मिलता है, आंवला, अलसी, मेथी। आंवला, अलसी, मेथी और आंवला, अलसी, मेथी और गौन मोरिंगा, इन चारों चीज़ों को पाउडर बनाएं और 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं इंदु जोधपुर से हमारे साथ। स्वागत है इंदु आपका। हाँ जी, एक तो ये मेरे को ड्राई आईज की बहुत प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, और क्या परेशानी है? और डायबिटीज भी है और कफ बहुत ज्यादा बनते हैं बहुत। जी ठीक है, एज अगर आप हैं तो एज और बता दीजिए। नमस्कार जी आदाब, एज बता दीजिए अपनी। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, एक लीटर आप जैतून का सिरका खरीद लें और उसमें अदरक का जूस निकाल के आधा लीटर मिला दें, और जब भी पिए तो ऐसे बोतल को हिला लें और उसमें से 3 चम्मच दिन में, 3 चम्मच रात में पानी में मिलाकर पिए, और बोतल को हिला ज़रूर लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं दर्शकों, आप लोग इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों का कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है। बाकी आप लोग कॉल ट्राई करते रहिए क्योंकि आपकी कॉल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये चाहते हैं कि आप सारे अपने प्रश्न हमारे साथ शेयर करें, आप लोग जानें कि आपके रोग के लिए कौन सा नुस्खा बहुत बेहतर है, बहुत कीमती है, ऐसे नुस्खे जिन्हें अपना के आप बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा रोग अपना दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को उपचार अपनाने होंगे, परहेज भी आपको करने होंगे। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? रामचारी शर्मा नाम है, ये रोहतक से बात कर रहे हैं। जी बताइए क्या परेशानी है? ऐसा है, 22 दिन पहले आपसे हमने एसकेएस कैप्सूल मंगवाए थे और जेल में मिला सरकार, इनको N4N5 की शिकायत है। आवाज सुन ली, N4N5 की शिकायत है। कितने दिन दवा लिए हैं? दवा 22 दिन हो, रोहतक से बात कर रहे हैं जी। हाँ, आपका पहले भी शायद फोन आया था, मैंने आपको बताया था कि परेशानी ये है जी, ये N4N5 की तकलीफ है जी, पैर सुन्न हो जाते हैं, चलने में दिक्कत है, दर्द जो है 8-10 दिन रहता है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, और बहुत सब्र करने की ज़रूरत है आपको। 4-5 महीने अगर आप लगातार इलाज करें तो कुछ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो एलोपैथिक दवा साथ में ले सकते हैं, यूनानी से आप उम्मीद रखें लंबे इलाज की, और बेशतर लोगों को 22 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। अगर आप दवा खाते हैं कोई एलोपैथिक
और वो कम हो गई है या कम खानी पड़ती है, समझ लीजिए फ़ायदा शुरू होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ़ायदा रोज़ाना होता है। अगर आपको फ़ायदा तलाश करना है तो आपको ये देखना होगा कि आप ये एलोपैथिक दवा कुछ कम हुई या ज़्यादा हुई। अगर ज़्यादा हुई है एलोपैथिक दवा तो आपको दर्द बढ़ा हुआ है, अगर कम हुई है तो आपका दर्द कम हुआ है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं विजय झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है विजय आपका। हेलो, हाँ जी सवाल कीजिए। हाँ सवाल है, शुगर बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या उम्र है मरीज की? उम्र 61 साल जी। देखिए शुगर की दवा कोई ऐसी नहीं होती कि मुस्तकिल फ़ायदा कर दे, शुगर की दवा हमेशा लेनी पड़ती है। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं आ रही वो दवा लेने के बावजूद तो वो तो लेते ही रहें, और 3 चम्मच जैतून का सिरका सुबह 3 चम्मच शाम को अगर आप पानी में मिलाकर पिएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है। तो बिल्कुल आपकी शुगर कंट्रोल ज़रूर हो जाएगी, बस ये परहेज़ कीजिएगा, ये नुस्खे आप अपनाइएगा जो अभी हकीम साहब ने आपको यहाँ पे बताए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बिंदु स्वागत है। हाँ तो जी हकीम साहब से बात करनी, मुझे शुगर बढ़ा हुआ रहता है जी सर, यूरिक एसिड भी मेरा बढ़ा हुआ है, खुजली मचती है शरीर में और पूरे जो है पूरे मतलब इसे गांठ गांठ में से दर्द होता है, जकड़न सी रहती है पूरे बदन में, शोल्डर में, हाथों में, उंगलियों में, पैरों में, मतलब उठने बैठने में दिक्कत रहती है जी। कोई घरेलू नुस्खा? अच्छा देखिए अलसी लें 400 ग्राम और 100 ग्राम आपको लेना है गौंसिया। अलसी के साथ इसको पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम अगर आप खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल एक छोटा सा आप लोगों को उपचार यहाँ पे करना है, छोटी छोटी चीज़ें ही दर्शकों आप लोगों को बताई जा रही हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, जो आपके किचन में मौजूद हैं, बस आप लोगों को समझना होगा कि कौन सा नुस्खा आपको किस तरह से अपनाना है, और जब तक परहेज़ नहीं करेंगे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग पिसी पिसाई चीज़ें मार्केट से लेके आएंगे और फिर आप उनका सेवन करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ शब्दों में हकीम साहब आप सभी को बोलते हैं कि रॉ मटेरियल अपने घर में लेके आइए, खुद पीसिए और फिर उसका सेवन कीजिए। कई बार आप लोग सुन नहीं पाते या नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास विकल्प है, हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप लोग इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो दर्शक कार्यक्रम में जुड़ते हैं आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, और बार बार कहना चाहूंगी परहेज आप लोगों को जरूर करने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुनीता स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते हकीम साहब जी, आदाब। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका इतना बिग थैंक्स जो आप अपने दर्शकों के लिए इतना कुछ बता रहे हैं जी, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। हाँ जी सर, मुझे 2 सवाल पूछने हैं, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बेटी सर वो 4 साल की है और उसका वेट सिर्फ 14 किलो है। हाँ जी, और वो थोड़े थोड़े टाइम बाद ना सर, जैसे 1 महीना उसने खाया तो वो पूरे 1 महीने के लिए खाना छोड़ देगी, वो पूरे दिन में सिर्फ 1 आधी रोटी खाती है और पानी पीती है, बस वो खाना छोड़ देती है सर। वो बाय बर्थ भी वीक थी, उसके बाद भी उसने ऊपर की फीड नहीं ली सर, और मदर फीड मेरी आई नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ और बताइए कुछ। कोल्ड हो जाता है उसे गर्मियों में भी सर, मैं उसको थोड़ा सा जो वाटर है मुझे वो ल्यूक वार्म करना पड़ता है उसे नहलाने के लिए, वो दूसरा भी पानी उसको ठंडा फील होता है अब गर्मियों में भी सर। ठीक है ठीक है। हाँ। अपना बताइए। ये हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है सर, और मेरी टाइम में भी होती थी, मेरे 20-30% रह गए थे जब मैं 17-18 साल की थी, तभी से ही हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था सर। और फिर मेरे को जब मेरी शादी हुई, जब मैंने कंसीव किया तो वो बिल्कुल सिंगल हेयर फॉल भी नहीं हुआ।
वो 9th मंथ में जब मेरी बेटी होने वाली थी तब मेरा सिंगल हेयर फॉल नहीं हुआ, लेकिन उसके 2 महीने बाद उसके होने के और अब तक 4 साल हो गए, इतना हेयर फॉल हो चुका है कि सिर्फ 5% रह गया सर इस बार। ठीक है, हाँ जी। अच्छा देखिए, आप जो है एक नारियल पानी लिया लें रोजाना, और उसमें आधा ग्राम गौन मोरिंगा मिला दें, या मिला दें या गौन मोरिंगा अरो मटेरियल आता है, जरा नकली भी आता है, असली लेना, तो आधा ग्राम या उससे भी कम गौन मोरिंगा खाएं और ये एक नारियल पानी पिएं तो आपके बाल काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। और बच्ची के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, और बच्ची को देखिए एक खुद बना लीजिए, एक माजून बना लीजिए उसके लिए, और वो इस तरह है कि 100 ग्राम आपको अलसी लेनी है, इसको हल्का सा भून के पाउडर बनाएं, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम उन्नाव। उन्नाव एक बेर होता है जो आसानी से मिल जाता है, ईरानी बेर भी कहते हैं, लाल होता है बिल्कुल सुर्ख शादी के जोड़े की तरह, उन्नाव 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और लिसोड़ा 100 ग्राम, और इसमें 20 ग्राम जो आपके किचन में पीपलें होती हैं ना लंबी लंबी, आप लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें, वो बड़े काम की चीज़ है, तो 20 ग्राम पीपलें पीस लें। अब ये सफ़ू बन गया, अब ये पाउडर बन गया तो बच्ची शायद नहीं खाएगी, तो इसको जितना ये है इतने ही शहद में मिला दीजिए, तो ये एक पेस्ट बन गया। अब उसको रोज़ाना अपनी उंगली से दिन में 4-5 बार चटा दिया करिए, उंगली पर लिया और चटा दिया उंगली पर, आधा चम्मच इसकी खुराक है छोटे बच्चे की, और कई बार खिलाइए दिन में 2-3 बार, और दूध बना है उसके लिए, दूध मत दीजिए कुछ दिन, और पानी पीती है तो बहुत अच्छा, तो काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है राधिका सूरत से हमारे साथ, स्वागत है राधिका आपका। हाँ जी जी बताइए। मैं राधिका बोल रही हूँ, मेरी उम्र 21 साल और मेरी हाइट है 5'1" ठीक है, और मेरा वजन है 50, तो मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। अच्छा राधिका, वैसे हाइट बढ़ाने की उम्र को आपने क्रॉस कर लिया, हाँ अभी मुमकिन नहीं है आपकी हाइट बढ़ाना, और ज्यादा हाइट जब 13-14 साल में अगर आप फोन करते तो आपकी हो जाती 5'6", 5'7" इतनी भी हो सकती थी, लेकिन अब कोई भी दावा करे तो गलत है। अब हाइट का बढ़ना, लड़कियां को 16 साल तक कोशिश करनी चाहिए और जेंट्स को 22 साल तक भी कोशिश कर सकते हैं। अब आपने अपनी सेहत अच्छी कीजिए, अपना अखलाक अच्छा कीजिए, अपने आचरण अच्छे कीजिए, अपनी तालीम अच्छी कीजिए, ये हाइट छोटी बड़ी काला गोरा से कुछ नहीं, जितना किताबें आपके अंदर होंगी, जितना भाईचारा आपके अंदर होगा इतनी आप काबिल होंगी, और उसी का लोहा मनवाइए जो आपकी हाइट है। तो चलिए बहुत अच्छी बात आपको यहाँ पे हकीम साहब ने बताई है, आप इस पे गौर फरमाइएगा क्योंकि बहुत गहरी बात आपके लिए बताई गई है। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हकीम साहब से। हकीम साहब, अगर बात करें हम डकारों को लेके, कई लोगों को हमने देखा है कि बिना खाए अनगिनत डकारें आती हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ भी खाते हैं खाते ही मोशन जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं घरेलू, और ऐसे लोगों को दिक्कत परेशानी आती क्यों है? देखिए, कुछ भी अगर परेशानी इंसानों को आती है जी, तो उन ज्यादातर उनकी अपनी गलती होती है जी। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक जमाने में बाहर का बहुत खाना खाया, लेकिन मैं मजबूर था जी, मैं अकेला बॉम्बे रहा 20 साल, तो बाहर का खाना खाया मैंने, मेरे साथ कोई नहीं था। ठीक है, तो जो लोग भी बाहर का खाना खाते हैं, घर में अगर खाना बनाने वाला कोई आपसे मोहब्बत करने वाला है तो मैं उनको बदनसीब कहता हूँ। बिल्कुल, और आज मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे घर वाले भी साथ रहते, तो मैंने बाहर का खाना कब खाया था मुझे मालूम ही नहीं जी। तो एक सबसे बड़ा है बाहर से खाना खाना,
दूसरा सबसे बड़ा परेशानी है कि बाहर के पिसे पसाए मसाले का घर में इस्तेमाल होना। महिलाओं के लिए ये बहुत बुरी बात है कि वो पिसे पिसाए मसाले बाजार के इस्तेमाल करें, इससे भी हमारा पेट और मैदा और हजम मुतासिर होता है। आप घर में मसाले पीसा करें, मेरा आपसे गुजारिश है। और पेट के सिस्टम को ठीक करने की दवाएं बहुत अच्छी हैं, आपने अगर नुस्खा पूछा है तो बता सकता हूँ। हमारे साथ रविंदर हैं चंडीगढ़ से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। आदाब। नमस्कार सर। आदाब सर। सर नमस्कार। आदाब सर। सर मेरा नाम हरविंदर सिंह जी है, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। सर जी मेरा एज सर 40 ईयर है सर। ठीक है जी। हाँ मैडम, मेरे घुटनों में दर्द रहता है सर, राइट और लेफ्ट में दोनों में सर जी। ठीक है। अच्छा देखिए, इसका मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने उससे अच्छी अपने जीवन में दवा नहीं देखी। एक रॉ मटेरियल है, अगर मिल जाता है पंजाब में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिल्ली में मिल जाता है, और वो है गौंदसिया कहते हैं हम लोग, काला गौंद भी कहते हैं आसान जबान में। गौंदसिया ले लें, रॉ मटेरियल ले लें, पिसा पिसाया मत लीजिए, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं, और आप देखेंगे कि आपको रोज़ाना थोड़ा फ़ायदा होता है, 8 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है। थोड़ा सब्र करना क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों को 1-2-4-6 दिन के लिए दर्द बढ़ जाता है, जैसे इस प्रोग्राम में भी कई कॉल आए, तो उनको भी नहीं घबराना चाहिए। जिसका बढ़ता है उसका भी ज़रूर फ़ायदा होता है, और जिसका कम होता है उसको भी ज़रूर फ़ायदा होता है, लेकिन यूनानी से आप चाहे आपको एक ही महीने में फ़ायदा हो जाए, लेकिन उम्मीद ना रखें यूनानी से एक महीने में फ़ायदे की। किसी को जल्दी भी होता है, फ़ायदा होने के बावजूद 3-4 महीने आप दवा खाएं तो यूनानी में आना चाहिए। बेसब्रों का इसमें कोई वो नहीं हिस्सा, और किसी का दर्द बढ़ जाए तो शिकायत ना करें, ये अच्छी अलामत है कि उसका दर्द बढ़ रहा है, यानी यूनानी काम कर रही, दवा काम कर रही। आप उसे 2-4 दिन सब्र करें, अगर नहीं बर्दाश्त होता दर्द, ये बढ़ाती भी दर्द को 2-4 दिन के लिए, तो आप एलोपैथिक दवा इसके साथ में ले सकते हैं, तब आपका काम चल पाएगा। शिकायत ना करें बल्कि ये अमल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।